नमस्कार दोस्तों, कल से अभी तक सुखदेव सिंह गोगामेड़े जी की हत्या को लेकर केवल आप यही सुन रहे थे कि इस मामले में केवल और केवल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, क्योंकि जो आरोपी हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जो हत्यारे हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं और इस मामले में उस गैंग का हाथ है। लेकिन कुछ समय के बाद, जैसे ही समय बीता, तुरंत गोल्डी बराड़ का हाथ आया, मतलब उसकी गैंग का हाथ आया कि इनके द्वारा ये किया गया है। मैंने कल की ही इस वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही समय बीतता जाएगा, इन्वेस्टिगेशन जारी होती रहेगी, धीरे धीरे करके सच्चाई सामने आती रहेगी। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं थोपना चाहता हूँ और आज भी इल्ज़ाम नहीं थोपूंगा। और जब हर कोई अदला बदली कर रहा है कि हमने ख़त्म किया, हमने क्या ख़त्म किया, जो जिम्मेदारी है अलग अलग से लोग लेते जा रहे हैं, तो लोगों का आक्रोश भी बढ़ रहा है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है धरना को लेकर। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जब भैया पहले ही बता दिया गया था सुखदेव सिंह जी के द्वारा कि मेरी जान को खतरा है, उनको सुरक्षा चाहिए, लेकिन फिर भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। आपको मैंने कल ही बता दिया था कि जो उनके सुरक्षा कर्मी थे, जो गनमैन थे, खड़े थे, उन्होंने चेकिंग वेकिंग करी थी, जो मतलब कोई भी आता उनसे अगर उनसे मिलने तो चेकिंग अच्छे से करते, फिर उसके बाद भेजते हैं। पता नहीं आपकी बार कैसे चेकिंग करी थी, जो 10 मिनट वहाँ बैठे चाय पीने के बाद इस हत्या को अंजाम दिया। अभी की खबर ये निकल के सामने आ रही है कि बाल भुकुंदाचार्य जी भी धरने पे बैठे हैं और जनता के साथ ही साथ इनका भी यही कहना है कि शपथ लेने से पहले पहले इनको न्याय मिलना चाहिए। शपथ से पहले, बहुत बड़ी बात है एक एमएलए अगर ऐसी बात बोल रहा है जनता की बातों को आगे बढ़ाता हुआ, तो मेरे हिसाब से न्याय जल्द ही मिलने वाला है। और अभी अभी जो है पंजाब पुलिस के द्वारा राजस्थान पुलिस को 10 महीने पहले का अब एक नोट सामने आया है जिसमें लिखा है, भटिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का गैंगस्टर संपत नेहरा राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़े की हत्या की साजिश रच रहा है। उसने AK-47 का भी इंतजाम कराया है। और बाल मुकुंदाचार्य जी का भी साफ तौर पे कहना है कि भाई इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई ने, जब उसके गैंग ने एक्सेप्ट कराया कि उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो अशोक गहलोत को भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज पहले से ही हो चुकी थी। ये बात पंजाब पुलिस को भी मालूम थी, पंजाब पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस को बताया, उसके बावजूद सुरक्षा नहीं दी गई। इसका मतलब क्या समझा जाए कि उनके साथ इनका भी हाथ है। और अभी एक और खबर आ रही है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला नितिन शूटर, जो कि एक सेना का जवान भी बताया जा रहा है, फौजी, ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन का जांच का विषय है, लोकेशन भी बताया जा रहा है कि इसकी मिल चुकी है, कुछ लोग बता रहे हैं कि जो दो आरोपी है दोनों को जेल में पहुंचा दिया गया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। धरना प्रदर्शन बहुत तगड़े से जा रही है, वहाँ पे एक भी दुकान खुली नहीं है, सारे लोग न्याय की डिमांड कर रहे हैं। शपथ लेने से पहले बोला जा रहा है कि न्याय होना चाहिए, और उम्मीद तो ऐसी लगाई जा रही है कि जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है तो शपथ बहुत दूर की बात हो गई, हो सकता है कि आज या कल में ही न्याय मिल जाए। बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल के साथ जुड़ कर सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखेगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। नमस्कार।